मम्मी जी चाय ले लीजिए। अरे कलमुही, तेरे हाथों से तो चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। बानी और शिवम की लव मैरिज हुई है। बानी के ससुराल में उसके ननद और सास हैं, जिन्हें अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वो बानी को सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से नापसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती हैं। बानी उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तुम माँ और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी बड़ी हैं, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूंगी। ऐसा बोलकर बानी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है, कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है, समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चेहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मत आना, समझी? माँ, बानी आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलमुही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही, आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने वश में जो किया है। जिसे जो करना है करे, बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती हैं, अरे वाहरी, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा है। अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो, इसकी सुंदरता के आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है। उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी, पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी? अरे इसे काम करने की क्या जरूरत, उसके लिए बानी है तो, और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूंगी। बानी वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती रहती है। उसी रात को बानी की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाय रे, चोरी हो गई मेरे पैसे, पक्का पक्का इस कलमुही की वजह से हुआ है ये सब। अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब तू इस कलमुही से शादी करके इसे घर में ले आया था, खुद तो आई ही अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी मेरे घर ले आई। अरे हुआ क्या माँ? अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मनहूसियत का इल्जाम लगाता है। ऐसा बोलकर बानी की सास वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवम और बानी बात करने लगते हैं। देखो मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। वो परेशान नहीं, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोलकर गई है, उन्हें मैं हमेशा एक आंख नहीं सुहाती। देखो बानी, अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूँ, इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, और आखिर वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद बानी भी अपने कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वो हर बार हर चीज का इल्जाम बानी पर लगाती है, पर बानी कभी कुछ भी नहीं बोलती। कलमुही नास पीटी, बहू को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, ये तो पनौती बनकर आई है पनौती। एक रात बानी की सास को आधी रात में प्यास लगती है तो वो पानी पीने रसोई की तरफ जाती है, तभी उसे अपनी बेटी के कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है।
हाँ हाँ, मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के लायक खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और मम्मी आज तक उस सब के लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती है। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर बानी की सास भौचक की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब अगली सुबह बानी सास के कमरे में आती है, मम्मी जी क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई? नहीं नहीं, क्यों, जाना है क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है जहाँ शिवम भी होता है। वहाँ उसकी सास बोलती है, छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी माँ के बारे में कोई ख्याल करे बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। और बहू, तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा अच्छा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे माफ कर दे बेटा। और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहू की तारीफ करते थकी नहीं।